हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी गुड एंड डूइंग यू होम वर्क दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फ्रॉम सिंह कॉन्वेंट स्कूल बोपियाम ओ प्रतापगढ़ डूइंग रेगुलरली ओके एंड स्टडींग इन अ प्रॉपर वे एज यू आर सजेस्टिंग बाय योर टीचर्स ओके दिस साइड आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा टुडे आई एम हेयर विथ योर इंग्लिश रीडर बुक ओके आपकी किताबें स्कूल में आ गई हैं और जिन बच्चों ने अभी बुक्स नहीं ली हैं वो स्कूल से बुक्स ले लें ताकि वो भी हमारे साथ अपनी बुक्स के साथ कंटिन्यू कर सकें ताकि पढ़ाई और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके ओके सो नाउ वी विल वर्क विथ बुक सो एवरी वन वील ओपन द बुक विथ अ पेंसिल एंड अ सप्टिट्यूड कॉपी सो ड्यूरिंग रीडिंग आई विल टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट यू कैन रीराइट ऑन योर कॉपी ओके सो लेट्स वर्क विद द बुक ओके या दैट इज अवर फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर इज स्पैरोज स्पैरोज का मतलब होता है बच्चों गौरैया ओके तो यहाँ पे चिड़ियों की कहानी है तो लेर वॉज एन ओल्ड ट्री नियर द बैंक ऑफ ए रिवर ओके ओल्ड ट्री मतलब एक पुराना पेड़ था नदी के किनारे ओके टू द नेस्ट सिचुएटेड इन द ट्री सिचुएटेड का मतलब होगा बच्चों स्थित होना ओके दो गौरैया उस पेड़ के उस पेड़ में एक घोसले में रहते थे जो उस पेड़ में स्थित था ओके दे वर लीडिंग देयर लाइफ पीसफुली एंड चेयरफुली लीडिंग का मतलब व्यतीत करना या रह रहे थे पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक चेयरफुली का मतलब प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी ओके वे वहाँ पे खुशी पूर्वक या शांतिपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे या रह रहे थे देर वर प्लान्टी ऑफ ट्रीज बिसाइड द रिवर प्लेंटी का मतलब बहुत सारे बिसाइड्स का मतलब किनारे वहाँ पर बहुत सारे पेड़ नदी के किनारे थे बट दे लाइक द ओल्ड ट्री वेरी मच लेकिन उन्हें वो पुराना पेड़ ही बहुत पसंद था ओके एवरी ईयर द स्पैरो बिल्ट का मतलब होगा बच्चों बनाना अ न्यू नेस्ट इन वन ऑफ द मेनी हॉलोस होलोज का मतलब पेड़ में जो गड्ढे होते हैं जो छेद होते हैं वहाँ पर ओके okay? पेड़ के छेद हम बोल सकते हैं हॉलोस को ऑफ द सेम ट्री हर साल वो उस पेड़ के छेद में बहुत घोंसले बनाया करते थे ओके सो बच्चों नाउ नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर सिक्स या वेरी गुड दिस पार्ट ऑफ द रिवर वॉज द फेवरेट मतलब पसंदीदा स्विमिंग का मतलब तैरने का स्पॉट का मतलब स्थान ऑफ द प्रिंस ऑफ रामनगर नदी के किनारे का यह स्थान रामनगर के राजकुमार का पसंदीदा स्थान था तैरने के लिए ओके द प्रिंस लव टू राइड एंड हंट राइड का मतलब घुड़सवारी एंड हंट का मतलब शिकार राजकुमार को शिकारी और शिकार और घुड़सवारी का शौक था आफ्टर ए हॉट डस्टी डस्टी का मतलब धूल भरी राइड मतलब घुड़सवारी एक धूल भरी घुड़सवारी ऑन हिज फाइन हॉर्से अपने एक पसंदीदा घोड़ों पर करने के बाद द प्रिंस लाइक नथिंग बेटर देन टू हैव अ क्वाइट सिम इन स्विम इन कूल वाटर एक धूल भरी घुड़सवारी के अपने पसंदीदा घोड़ों पर करने के बाद राजकुमार को कुछ और नहीं बल्कि उस ठंडे पानी में तैरना पसंद था ओके वन डे इन द स्प्रिंग स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु ओके द मदर स्पैरोड समेक्स लेड का मतलब देना समेक्स मतलब एक माता स्पैरो फीमेल स्पैरो ने कुछ अंडे दिए द स्पैरोज वर डिलाइटेड डिलाइटेड का मतलब बहुत खुश होना ओके दोनों गोरैया बहुत खुश थे इन द आफ्टरनून दोपहर में दे सेट है ऑन ए ब्रांच एंड वॉच द प्रिंस स्प्लैशिंग स्प्लैशिंग का मतलब होगा बच्चों छपाक करना पानी में जब तैरते हैं तो छपाक की जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं अबाउट इन द रिवर बिलो एक दिन दोपहर में वो दोनों पेड़ की एक डाल पर बैठ कर राजकुमार को तैरते हुए नदी में देख रहे थे बट दे बट वेन दे रिटर्न रिटर्न का मतलब वापस आना ओके okay, अंडरलाइन किया मैंने रिटर्न को जब वे वापस आए टू तो देर दे फाउंड देर गायब हो जाना ओके okay? जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि उनका अंडा गायब हो चुका था दे वर मोस्ट अपसेट एंड अपसेट का मतलब दुखी होना एंड फ्लैप्ड फ्लैप्ड का मतलब फड़फड़ाना ओके okay? वो बहुत दुखी थे और फड़फड़ा रहे थे अबाउट मेकिंग ए ग्रेट नॉइज और एक तेज आवाज के साथ फड़फड़ा रहे थे अब द फादर स्पैरो सडनली टेल ऑफ ए लॉन्ग स्नेक स्लाइटरिंग का मतलब होगा बच्चों घिसटना या घिसना इंटू अ होल एट द बेस बेस का मतलब जड़ ऑफ ए ट्री तभी फादर स्पैरो मेल स्पैरो ने पिता स्पैरो ने देखा कि एक सांप को पेड़ की जड़ के बिल में घिसटते हुए या घुसते हुए, हुए ओके He could make out what had happened. Happened का मतलब होना वह यह समझ सकता था कि क्या हुआ है ओके okay? उसे वो ये जान चुका था कि सांप ने उनके अंडों को खा लिया द स्पैरोड फ्लटर्ड फ्लटर्ड का मतलब तड़पना या फफड़ाना या उड़े फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच वो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़े एंड में सच a नॉइस और एक आवाज करते हुए दैट दे वोक देयर फ्रेंड्स एंड नेबर्स जिससे कि वे अपने दोस्तों और पड़ोसियों को उठा सकें या जगा सकें ए पेरेट वॉज देयर फ्रेंड एंड गुड विसर एक तोता उनका दोस्त था और उनका एक अच्छा शुभ चिंतक था या दोस्त था ही हर्ड देयर क्राई एंड केम आउट हिज नेक्स्ट उसने उनके रोने की आवाज सुनी और घोसले से बाहर निकला ओके ही वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज गोइंग ऑन वो यह जानना चाहता था कि क्या हो रहा था सो दे टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग एक्स मिसिंग का मतलब खोए हुए इसलिए उन्होंने उसे खोए हुए अंडों के बारे में बताया एंड द स्नेक और सांप के बारे में दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट दिस हैड अपसेट सो मच दैट दे वर नाउ गोइंग टू लीव द ओल्ड ट्री फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने उन्हें बहुत उदास कर दिया या बहुत दुखी कर दिया और अब वो इस पुराने पेड़ को छोड़ने का का प्लान बना रहे हैं या योजना बना रहे हैं ओके द पैरेट listened टू देअर सैड स्टोरी Listen का मतलब होगा बच्चों सुना तो उनकी दुख भरी कहानी सुनी एंड ही nodded हिज हेड Nodded का मतलब हिलाना और उसने अपना सर हिलाया एंड रोल्ड हिज eyes। और अपनी आंखें घुमाई और घुमाई रोल्ड का मतलब घुमाना या बंद करना ओके डोंट वरी माई फ्रेंड तुम चिंता ना करो मेरे दोस्त यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ लिविंग योर नेस्ट तुम्हें अब लिविंग का मतलब होगा बच्चों छोड़ने के लिए तुम्हें अपना घोसला छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए एंड गोइंग अवे ओके एंड गोइंग अवे और घोसला छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट हॉरिड का मतलब होगा बच्चों बहुत भयानक उस भयानक या खतरनाक सांप की वजह से वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ द ब्लडी स्नेक तुम उस गंदे ब्लडी का मतलब कमीने या गंदे तुम उस गंदे सांप से छुटकारा क्यों नहीं पा जाते द पैरट सेट तुम उस तोते ने कहा कि तुम उस सांप से छुटकारा पाने के बारे में क्यों नहीं सोचते तुम्हें ये पेड़ छोड़कर नहीं जाना चाहिए ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे टुमारो वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज ओके पेज नंबर सेवन एंड टुडे द वर्ड मीनिंग आई टोल्ड यू ड्यूरिंग रीडिंग यू विल राइट ऑन योर कॉपी एंड मेक इट रिवाइज द चैप्टर ओके सो कीप लर्निंग स्टे सेफ Thank you, Bachchan.